हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल अपना इंश्योरेंस वाला। हेलो फ्रेंड्स, मैंने अपने पिछले वीडियो जो है MDRT से 3 महीने में अपने डेली रूटीन से आधे घंटे के लिए बुक रीडिंग करने की सलाह दी थी, जिसमें आपके कई मेल्स आए कि हम कौन कौन सी बुक पढ़ें। तो आज मैं ऐसे ही कुछ खास बुक्स के बारे में आपको बताऊँगी जिनको हर LIC एजेंट और सेल्स पर्सन को पढ़ना ही चाहिए। तो अगर आपने हमारा वीडियो MDRT विद 10 पॉइंट्स इन 3 मंथ्स अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखें और फॉलो करें। लिंक आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उसे दे दिया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल में आपको LIC और इंश्योरेंस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, रीडिंग एक बहुत ही अच्छी आदत है। डेली रीडिंग करने से हम दूसरे लोगों के एक्सपीरियंस के बारे में जानते हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि एक राइटर अपने जीवन भर के अनुभवों को एक बुक में लिखता है और उस बुक को हम चंद रुपयों में खरीदकर उसके उम्र भर के अनुभव को पढ़कर उनसे कुछ सीखकर अपने जीवन में उतारकर कितना ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारी रीडिंग की हैबिट छूटती जाती है और जब हम कुछ नया पढ़ते ही नहीं हैं तो हमारी नॉलेज भी धीरे धीरे कम हो जाती है और कहीं ना कहीं हम अपने कंफर्ट जोन में आ जाते हैं और फिर हम इस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें डेली आधा घंटा बुक रीडिंग की हैबिट ज़रूर डालनी चाहिए। वैसे तो मार्केट में सेल्स से रिलेटेड कई सारी बुक्स आती हैं, लेकिन कुछ सिलेक्टेड बुक्स मैं आपको आज बताना चाहती हूँ जिससे आप रीडिंग को स्टार्ट करिएगा। तो सबसे पहली बुक है सवाल ही जवाब है, क्वेश्चन आर द आंसर, रिटन बाय एलन पीस। ये बहुत छोटी बुक है, आप इस बुक से ही पढ़ना स्टार्ट करिए। सेल्स के हर पर्सन को ये बुक को ज़रूर पढ़ना चाहिए। इस बुक में हर चीज़ को बहुत अच्छे से तरीके से समझाया गया है कि सेल्स में आपको खुद को कैसे मोटिवेट रखना चाहिए और अपना कैसे डेली गोल को अचीव करें, लोगों से बातचीत कैसे करें, कैसे लोगों की अनकही बातों को उनके हाव भाव से जानें, सेल्स के व्यक्ति को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इस बुक के राइटर ने खुद ही बहुत कम एज में MDRT के लेवल अचीव कर लिया था। हमने सबसे पहले ये बुक क्यों चुनी, इसके बहुत सारे रीज़न हैं। सबसे पहले तो ये बुक एक हफ्ते में आप आसानी से पढ़ लेंगे। दूसरी बात, इस बुक की लैंग्वेज बहुत आसान है और अगर आप इस बुक को फॉलो करते हैं तो आपके लिए बहुत ये बुक आगे जाके फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि इसकी हर एक लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी बुक जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी वो है थिंक एंड ग्रो रिच, सोचिए और अमीर बनिए, रिटन बाय नेपोलियन हिल। इस बुक को पढ़ने के बाद आपकी नॉलेज का दायरा बढ़ेगा, पैसे को लेकर आपका भ्रम टूटेगा, आपको रियलाइज़ होगा कि आप अपनी सोच को कैसे डेवलप कर सकते हैं जिससे आपको सक्सेस बहुत आसानी से मिल जाती है। इस बुक को पढ़कर आपको पता चलेगा कि कैसे अपनी सोच को बड़ा करें, कैसे छोटी से छोटी सोच से छुटकारा पाएँ, और इसमें बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है जिसे पढ़कर आपको बहुत मज़ा आएगा। और तीसरी बुक जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी वो है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, यानी आपके अवचेतन मन की शक्ति, रिटन बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। यह बुक आपके अवचेतन मन की शक्ति यानी आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर से रिलेटेड है। इस बुक में बताया गया कि जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं तब भी हमारा माइंड कम्प्लीटली रेस्ट नहीं कर रहा होता, हमारा अवचेतन मन तब ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव होता है और उस पावर का हम कहीं ना कहीं अपने बिजनेस को बढ़ाने में यूज़ कर सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड से खुद को कैसे कनेक्ट करें, कैसे प्रेयर का यूज़ करें, कैसे अपने माइंड को ट्रेन करें, कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ करके अपने सक्सेस को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो इन सब किताबों में दिए गए पॉइंट्स को फॉलो करके आपको बेस्ट रिजल्ट मिल सकते हैं। और फोर्थ बुक जिसकी हम बात करेंगे वो है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, लोक व्यवहार, रिटन बाय डेल कार्नेगी।
फ्रेंड्स, इस बुक में उन बातों को डिटेल में बताया गया है जिसे आप अपने फ्रेंड्स और अपने आसपास के लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं। इस बुक में बताया गया है कि कैसे आप अपने आसपास के लोगों में अपनी अलग पहचान बना सकते हैं, कैसे कुछ सिंपल बातों को करके आप लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। एक सेल्स पर्सन या इंश्योरेंस एजेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने क्लाइंट को इम्प्रेस करे, जिससे वो उसके प्रोडक्ट को आसानी से ले ले। बल्कि सेल्स में ही नहीं, पर्सनल लाइफ में भी कई बार हम लोगों को इम्प्रेस करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब आप लोगों को इम्प्रेस करते हैं तो लोग आपकी बात को ध्यान से सुनते हैं और आपकी बातों को इम्पोर्टेंस देते हैं। और अब बात करते हैं अपनी लास्ट बुक, अपनी फिफ्थ बुक के तरफ, जिसका नाम है शिखर तक, रिटन बाय मिस्टर पंजाब सिंह, जो खुद एक LIC एजेंट है। इस बुक को दो पार्ट में लिखा गया है। इस बुक में इंश्योरेंस से रिलेटेड कई प्रैक्टिकल बातें लिखी हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि लेखक ने अपने जीवन के अनुभवों को बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही सिंपल वे से एक्सप्रेस किया है। इस बुक में कई सारे एग्जाम्पल और टेक्निक्स बताई गई हैं, जिसका आप यूज़ करके बहुत आसानी से अपनी सेल को ग्रो कर सकते हैं। ये आखिरी बुक शिखर तक, हो सकता है कि आपको ये बुक आसानी से मार्केट में ना मिले, क्योंकि ये बुक खासकर इंश्योरेंस एजेंट के लिए लिखी गई है। तो इस बुक की समय बहुत जल्द हम आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन।